आप सभी को रेमो का नमस्कार। एप्ट्रिक्स ई क्लासेस योर लर्निंग एक्सपर्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मेंसुरेशन का लेसन नंबर 13 डिस्कस करेंगे और इसमें हम स्क्वायर एंड सर्कल, वर्ग और वृत्त में जो बहुत सारे स्पेशल आपके फॉर्मेशंस होते हैं, जैसे लीफ फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो उसके क्या एप्लीकेशन हैं, किस तरह के एरिया इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है और किस तरह के यूजफुल रिजल्ट्स हो सकते हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो कुछ दो डायग्राम आपके सामने आपको दिख रहे होंगे, कुछ इनके बारे में चर्चा करेंगे और वीडियो के अंत में आपको कुछ बहुत यूजफुल रिजल्ट मिलेगा जिसका आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस जो बीच बीच में मैं चीज़ें आपको समझाऊंगा उनका शायद बहुत बड़ा रोल होता है अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लोगों तक शेयर करें, नहीं आता है तो ना करें। चलिए शुरुआत करते हैं और डिस्कशन करते हैं आज के लेसन का। तो देखिए, आपके सामने अभी मैं एक डायग्राम दिखा रहा हूं आपको। जैसे ये एक डायग्राम है, मान लिया कि एक आपका स्क्वायर है, उसके भीतर चार आइडेंटिकल सर्कल्स इस फैशन में बनाए गए और हो सकता है कि आपसे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन पूछी जाए कि ये लीफ ऐसे रेड कलर कर दिया जाए और ये लीफ के बाहर वाला पोर्शन भी रेड कलर कर दिया जाए, है ना। हमने पिछले लेसन में भी कुछ डिस्कशन किया था लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट था इस केस से। बाद में मैं उसको भी आपको दिखाऊंगा कि डिफरेंस है तो कहाँ है और फिर उन दोनों को मर्ज करके हम कुछ बहुत यूज़फुल रिजल्ट निकालने वाले हैं। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ये पोर्शन ना इसको क्या मार्क कर रहा हूँ ऐसे करके, और इस पोर्शन का मैं आपसे अगर पूछूँ कि मेरे को चाहिए एरिया, ठीक है, तो आपके सामने अब ढेर सारा रेड पोर्शन दिख रहा है और मुझे इस पूरे रेड पोर्शन का मान लिया एरिया चाहिए, है ना, पूरे रेड पोर्शन का एरिया चाहिए। तो ये क्या होगा, तो इसको कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे रेड पोर्शन का एरिया क्या होगा। मैंने आपको राइट में क्या दिखाया है कि रादर देन इस डायग्राम को पूरा एनालाइज करने के, एक काम हम लोग ये कर सकते हैं कि देखिए पिछले लेसन में जो हमने डायग्राम डिस्कस किया था, ध्यान रखिए वो एक सर्कल था, उस सर्कल के अंदर चार सर्कल्स थे, ठीक है। ये डायग्राम थोड़ा डिफरेंट है, कई बार आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हो ना कि तो वही वाला डायग्राम आ गया, नहीं वो नहीं है। वहाँ एक सर्कल के अंदर चार सर्कल्स थे, यहाँ एक स्क्वायर के अंदर चार सर्कल है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा, चूँकि जो मुझे एरिया निकालना है वो मैं देख पा रहा हूँ कि अगर मैं इसको सिंपली कुछ ऐसा करूँ कि एक लाइन ऐसे खींच दूँ सिमेट्रिकली, है ना, ऐसे करके एक लाइन ऐसे आगे बढ़ा दूँ और एक लाइन मैं यहाँ से ले लूँ और इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ यहाँ तक, देखो ध्यान से, तो चार बिल्कुल एक तरह के एलिमेंट मिल जाएंगे। इसको मैं पार्ट वन कहता हूँ और मैंने यहाँ बाहर निकाल लिया है। तो देखो मैं क्या करूँगा ना, पार्ट वन की एनालिसिस करूँगा और पार्ट वन में जो रेड रीजन है ना इसका एरिया निकालूंगा। और अगर मैं पार्ट वन में रेड रीजन का एरिया निकाल लेता हूँ सर, तो करना क्या है, मुझे चार से मल्टीप्लाई करना होगा तो मुझे इस डायग्राम में भी पूरा का पूरा एरिया मिल जाएगा। सिंपल है ना, क्योंकि रेड रीजन जो है अगर चार पार्ट इक्वली हम लोग इसको बांट सकते हैं काट के सिमेट्रिकली, तो क्या करना है, फिर एक का निकालेंगे और उसको फिर हम आगे फोर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मुझे ये वाला आपको डायग्राम एग्जाम में मिलता है तो क्या करना है, आंसर तो आपको तब भी पता चल जाएगा। तो इस केस को एनालाइज करेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस बनने वाला है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको लेके चल रहा हूँ और हम इसकी थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ क्या प्रोवाइडेड है और क्या निकालना है। तो देखिए ये जो डायग्राम है आपके सामने यहाँ मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये रेफरेंस डायग्राम है बड़ा वाला, ठीक है, जिसमें आपका ये वाला रेड जोन है, ये वाला रेड जोन है, ये वाला रेड जोन है और ये वाला भी आपका रेड जोन है। यहाँ बाहर भी रेड जोन है, मैं बाहर भी ऐसा रेड रेड कर देता हूँ। आपको समझ में आया कि अगर पूरा डायग्राम दिया होगा तो कुछ ऐसा पूछा जा सकता है। और उसका एक पोर्शन जो मैंने बाहर निकाला है मेरे लिए जो इम्पॉर्टेंट है, वो देखो ये वाला रेड जोन है, है ना, और इसका मुझे एरिया निकालना है। अगर मुझे स्क्वायर के बारे में पता हो कि स्क्वायर की साइड मान लिया बोल दिया कि ए है, तो स्क्वायर की साइड ए गिवन है और मुझे इस पूरे रेड रीजन का एरिया कैलकुलेट करना है। तो आप जरा ध्यान से एक चीज़ तो समझ सकते हो ना, आपको पता है जो लीफ का एरिया होता है वो भी स्क्वायर की साइड पे डिपेंडेंट होता है। ये जो आपका सेमी सर्कल बना हुआ है, दो दो सेमी सर्कल आपको दिख रहा होगा, है ना, स्क्वायर की साइड को डायमीटर मान के, इसका एरिया भी स्क्वायर की साइड पे डिपेंडेंट है। अब पूरा जो स्क्वायर है उसके एरिया में से अगर आप देखो, ये नॉन रेड जोन जो हैं, जो कि क्या है, लीफ को हटा के जो सेमी सर्कल का एरिया है उसको, ठीक है, माइनस कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा एरिया। तो यहाँ पर आप ध्यान से एक चीज़ समझो कि मैं वही करूँगा कि मैं रादर देन ए के टर्म्स में कुछ डेरिवेशन करूँ, मैं साइड को लूँगा अपने हिसाब से, साइड को अपने हिसाब से लूँगा और फिर मैं इसकी कैलकुलेशन करने की कोशिश करूँगा। अब देखिए अपने हिसाब से अगर मुझे साइड एज्यूम करना है तो मैं कहूँगा कि ये जो लीफ मुझे दिख रहा है ना साफ साफ,
मैं ना इस लीफ को चाहता हूँ कि ये एक 7 के स्क्वायर में कंटेन हो जाए। आप कहोगे 7 के स्क्वायर में अगर मैं इस लीफ को कंटेन करना चाहता हूँ, तो आपको बताया कि 7 के स्क्वायर में अगर लीफ कंटेन होता है, इस तरह से लीफ फॉर्मेशन होता है, तो उसका एरिया आपको मालूम है क्या होता है? उसका एरिया आपका होता है 28। चलो मुझे इस लीफ का एरिया मालूम है इसका मतलब। अब आप कहोगे अगर आपने 7 को यहाँ पर बोल दिया कि ये स्क्वायर है जो लीफ को कंटेन कर रहा है, तो पूरे स्क्वायर की साइड कितनी हो गई? 14 हो गई। पूरे स्क्वायर की साइड कितनी हो गई आपकी? 7 और 7 कितना हुआ? 14 हो गई। अब देखिए यहाँ पर जो आपको यहाँ सेमी सर्कल बना हुआ दिख रहा है, इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 7। 7 रेडियस वाले सेमी सर्कल का जो एरिया होता है वो कितना होता है? पूरे सर्कल का एरिया अगर 7 रेडियस है तो 154 होता है स्टैंडर्ड सर्कल। जिन्होंने ये वीडियो स्टैंडर्ड सर्कल वाला नहीं देखा है, पूरी मेंसुरेशन की प्लेलिस्ट जाके देख लें, सब कुछ मिल जाएगा आपको। 7 हो गया। आपको पता है ये पूरा 77 होगा अगर सेमी सर्कल की बात कर रहे हो आप, ये वाला पोर्शन 77 हो जाएगा। तो 77 में 28 माइनस करेंगे, 77 में 28 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 49। मतलब ये जो वाइट रीजन आपको दिख रहा है ना लीफ के बाहर वाला, ये 49 हो गया। सिमिलरली इधर भी वैल्यू आपकी 49 हो गई। अब देखो आप कहोगे इधर 49 हो गया, इधर 49 हो गया और ये 28 है और स्क्वायर का साइड अगर 14 है तो पूरे स्क्वायर का एरिया तो मुझे पता है 14 स्क्वायर यानी 196 के बराबर होगा। तो अगर ये 196 के बराबर है तो मैं कहूँगा ये बताओ अब कितना है, तो आप कहोगे ये 196 में से माइनस करते हैं। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर 49 आपका कितना हो गया? 49 आपका 98 हुआ। 98 प्लस 28 आपने निकाला, 126 आया और 126 तो ये वैल्यू आपको दिख रही है कितना हो जाएगा? 70। तो इसका एरिया मुझे दिख गया कि 70 है। ठीक है, अब जरा आप एक ध्यान से एक ऑब्जर्वेशन करो, अगर आप जरा देखो ध्यान से कि ये जो ब्लैक है 49 और 49 इनका सम कितना है? 98। ठीक है, 98 क्या है? 196 का आधा है, 196 का आधा है। तो अगर आप सिर्फ ये ब्लैक ब्लैक देख लेते ना, 49 कितना हो गया? 98। तो नॉन रेड जोन जो है ना वो 98 हो गया, 196 का आधा। तो पूरा रेड जोन क्या होगा? पूरा रेड जोन जो होगा वो 196 का आधा ये भी होगा, आधा आधा ही पूरा बनता है। तो रेड जोन का जो एरिया, देखिए यहाँ बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको पता चल रही है कि ये जो रेड जोन का मैंने एरिया निकाला, मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये जो एरिया आपने यहाँ लिखा हुआ है, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये पूरे स्क्वायर के एरिया का 1/4 है। ठीक है, यहाँ ये भी पूरे स्क्वायर के एरिया का 1/4 है और इन दोनों का जो सम होगा ये 1/4 आपका कितना हो गया? ये आपको मिला देगा हाफ एरिया। और ये जो लीफ है प्लस ये जो रेड जोन, जो टोटल रेड जोन निकालना है, ये पूरे स्क्वायर का हाफ एरिया होगा। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि ये जो मैंने रेड जोन आपके सामने प्लॉट किया है, जो रेड जोन मुझे निकालना था, ये रेड जोन का जो टोटल एरिया है वो मैंने अब निकाला तो अपनी वैल्यू 7 के लिए, बट ये हर वैल्यू के लिए करेक्ट होगा क्योंकि आपको पता है साइड पे ही डिपेंडेंट होता है एरिया, वो आप ए लेके चलोगे तो भी यही मिलेगा। तो ये रेड जोन का जो एरिया है, जो आपका ये वाला शेप लेके आ रहा है जिसमें आपका एक लीफ भी है, मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपका लीफ भी है ऐसे करके, और ये फिर आपका स्क्वायर का शेप है इधर। ठीक है, कुछ ऐसा है, और बेहतर तरीके से बना देता हूँ आपको ताकि आपको ये क्लियर रहे कि मैं किस शेप की बात कर रहा हूँ। ये सेमी सर्कल हुआ इधर, ये वाला सेमी सर्कल हुआ और अल्टीमेटली आपको यहाँ पर एक स्क्वायर दिख रहा है। तो ये वाला जो रीज़न है जिसका मैं एरिया चाह रहा था, ये एरिया क्या निकल के आया? ये एरिया निकल आया जो स्क्वायर का एरिया है, स्क्वायर एरिया है उसका आधा। ठीक है, हाफ ऑफ द स्क्वायर एरिया यहाँ से निकल के आ गई वैल्यूज़ के हिसाब से। इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, और एक चीज़ ना आप और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो यहाँ पर, कि थोड़ा देर पॉज करके वीडियो सोचना कि क्या कोई और तरीका है बेहतर इसको देखने का कि ये स्क्वायर का हाफ एरिया है। ठीक है, तो वो चीज़ मैं आपको इंटरेस्टिंगली अभी आगे दिखाने वाला हूँ, आपको बहुत मज़ा आएगा उसको देखने में। ठीक है, अच्छा यहाँ से एक चीज़ आप और भी कर सकते हो कि जो भी ये एरिया रेशियो आपको दिए हुए हैं इनको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। इनको सिंप्लीफाई करो तो आप सबको ना क्या करो, 7 से डिवाइड कर दो। तो अगर आप सबको 7 से डिवाइड करोगे ना तो देखो क्या क्या मिलने वाला है। 7 से आपने डिवाइड किया तो आपको पता है कि इन दोनों का सम हाफ होता है, अभी मैंने देखा, क्योंकि रेड टोटल क्या है? हाफ ऑफ द स्क्वायर एरिया। तो देखो 7 से डिवाइड किया तो ये आपको 7 और 7 मिलेगा, 7 7 49 हो गया। ठीक है, मैं रेशियो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ तो सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इसको हटा दो अभी। ये 28 था तो ये 4 हो गया और ये वैल्यू कितनी हो गई? ये वैल्यू आपकी 10 के बराबर हुई। इन दोनों का सम देखो 14 14 आना भी चाहिए। यहाँ पर आपको एक एरिया रिलेशनशिप दिख रही है,
कि ये जो जीरो जो वाइट जोन है इधर सेवन, ये भी सेवन, ये फोर और ये टेन, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक एरिया रिलेशनशिप है जो आपको मदद करेगी कई जगहों पर, मतलब अगर आपको आप इसका ध्यान रख सकते हो, जो कि बहुत आसान है, ठीक है। लीफ एरिया से आप शुरू करोगे तो आप पूरी वैल्यूज लिख भी दोगे फटाफट, उसमें कहीं कोई चैलेंज नहीं होगा। ये 4:7 हो गया, ठीक है, ये आपका 4:7 हो गया, ये भी 7 हो गया, और ये वैल्यू आपकी 10 हो गई, और इनका सम देखो 14 आना भी चाहिए, हाफ ऑफ द स्क्वायर एरिया। अब जरा इसको विजुलाइज करते हैं कि हाफ ऑफ द स्क्वायर एरिया कैसे है, आपको बहुत मजा आएगा अभी देखिए विजुलाइजेशन में। तो ये मैंने क्या किया ना, इसी डायग्राम में मुझे निकालना है रेड जोन। मैं रेड जोन जरा ध्यान से बना देता हूँ, आप जरा ध्यान से देख लेना, ये है मेरा रेड जोन जो मुझे चाहिए, जो मैंने पिछले अभी डिस्कशन में ये देखा कि आधा है, उसको जरा मैं आपको विजुअली दिखाता हूँ, ये निकालना है मुझे। अब अगर मुझे ये एरिया कहीं ना कहीं मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं इसको इसी डायग्राम में इस तरह से बना दूँ, आप ज़रा ध्यान से देखना कि ये वाला रेड जोन हो गया, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। साथ में आप ये कहोगे कि देखो ध्यान से कि मुझे ये दो रीजंस भी इंक्लूड करने हैं, मैं इनको भी बना देता हूँ आपका, कि ये जो आपका पूरा लीफ है, पूरा लीफ है, ये भी मुझे इंक्लूड करना है, इनका मुझे टोटल एरिया चाहिए। अब देखिए डायगनल्स को जब हमने मिलाया है तो कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आ रही है। डायगनल को हमने मिलाया है, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ भी मुझे हाफ लीफ बनती हुई दिख रही है, जो नॉन जो हमें इंक्लूड नहीं करना है, हाफ लीफ दिख रही है। तो मैं कहूँगा एक काम करते ना कि ये वाला जो हाफ लीफ है ये अगर मैं रिमूव कर दूँ, ये वाला हाफ लीफ मैं यहाँ से रिमूव करके अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर दूँ, आप ऐसे विजुलाइज करो कि इसको रोटेट कर दिया है, अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट करूँ तो क्या अभी भी शेडेड रीजन के एरिया में कोई फ़र्क आएगा? आप कहोगे बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि आपने कुछ नहीं किया, यहाँ से शेडेड एरिया हटा के यहाँ डाल दिया हाफ लीफ, कोई फ़र्क नहीं आएगा। फिर मैं कहूँगा अच्छा ऐसी बात है तो ये भी हाफ हटा दो यहाँ से, और ये हाफ हटा के यहाँ भी आप रेड जोन डाल दो, ठीक है। मैंने क्या शेडेड रीजन का एरिया बदला है? नहीं, मैंने सिर्फ शिफ्ट किया है कि ये लीफ उठा के यहाँ मार्क किया, ये लीफ उठा के यहाँ मार्क कर दिया। अब आप बताओ मुझे कि जो रेड जोन का एरिया आपको यहाँ दिख रहा है और जे रेड जोन का एरिया आपको यहाँ दिख रहा है, दोनों बराबर हैं कि नहीं है? दोनों बराबर हैं, क्योंकि मैंने कुछ एरिया डिलीट नहीं किया है, मैंने शिफ्ट किया है। ये वाला लीफ को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, आधा मैंने इधर शिफ्ट किया, आधा मैंने इधर शिफ्ट किया, तो कुछ ऐसा डायग्राम बन गया। क्या आपको दिख रहा है कि रेड जोन का एरिया स्क्वायर के एरिया का आधा है? अगर आपको अभी भी नहीं दिख रहा है तो आपको मेरी नहीं, डॉक्टर की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा इस प्रूफ में कि यहाँ पर जो रेड जोन के एरियाज़ हैं वो आपस में बराबर हैं। तो अब आप इसको ध्यान से देखना कि जब भी आपको स्क्वायर के भीतर इस तरह का लीफ फॉर्मेशन दिखे सेमी सर्कल्स का इस्तेमाल करते हुए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लीफ प्लस ये जो बाहर वाला एरिया है स्क्वायर और सेमी सर्कल्स के बीच में जो बाउंड हो रहा है, ये विजुलाइजेशन आपको क्लियर होगा तो आपको तनिक भी देर नहीं लगेगी ये पता लगाने में कि ये जो एरिया है ये टोटल रेड एरिया हाफ होता है, ठीक है। टोटल रेड एरिया क्या होता है? हाफ होता है। अब देखो जरा ध्यान से, इंटरेस्टिंगली इसको हम यहाँ भी विजुलाइज कर सकते हैं। अब तो पता लग गया हाफ है, तो मैं आपसे अगर बोलूँ कि देखो ये सारा जो भी रेड जोन है, मैं कहूँ ये रेड जोन आपको दिखाया, ये रेड जोन दिखाया आपको, ये रेड जोन दिखाया आपको, और ये रेड जोन आपको दिखाया, साथ में बाहर भी रंग दो आप, है ना। अब मान लिया मैं इसका आपसे टोटल एरिया पूछ रहा होता, ठीक है, तो आपको पता ही, अगर इसमें पता लग गया कि ये जो पूरा स्क्वायर है, जो एक स्क्वायर यहाँ पर बनाया था उसका आधा एरिया है, तो पूरे में भी वही होगा। इसको आप अलग तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं, ज़रा समझने की कोशिश करिए। देखिए मैं क्या कहूँगा यहाँ पर कि एक चीज़ तो अभी क्लियर हो गई आपको कि जब हमने इसको शिफ्ट करने की कोशिश करी, है ना, जैसे मैंने कहा कि ये पॉइंट है आपका, ये पॉइंट, जैसे ये वाला मैं स्क्वायर बनाता हूँ यहाँ पर, आपको सही से विजुलाइजेशन होगा। मैंने कुछ नहीं किया ना, मैंने ये लाइन को ऐसे ऐसे ज्वाइन कर दिया और ये रेड पोर्शन शिफ्ट किया यहाँ पर, तो ये रेड पोर्शन अगर मैंने शिफ्ट किया तो ये रेड पोर्शन जाके दो लीव्स जो ऊपर हैं उनको उसने फिल कर दिया ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो रेड जोन था आपका ये पूरा कंप्लीट क्या हो गया, ये हाफ ऑफ द ये छोटा वाला स्क्वायर हो गया। ऐसे करके इसमें आपके चार स्क्वायर्स बनेंगे, तो चार स्क्वायर्स बनेंगे तो टोटल एरिया जो आपका होगा लीफ वाला एरिया वो आपको पता है यहाँ भी हाफ होगा पूरे स्क्वायर का। तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है और ये आपको बहुत मदद करने वाला है जब भी आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे, और ये आपको अगर पहले से आइडिया है और विजुलाइज करके आपने रखा है तो आपके लिए बहुत आसान होगा। आगे बढ़ते हैं और भी कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स देखते हैं। अब देखिए इसका कंपैरिजन देखते हैं, ये और ये, ठीक है। इसमें क्या था कि इसमें एक क्वार्टर सर्कल था और यही दो सेमी सर्कल थे, यही दो सेमी सर्कल थे, यहाँ पर बस फ़र्क क्या है कि ये स्क्वायर हमने कंप्लीट कर लिया है। तो देखते हैं फ़र्क कितना आएगा इसकी वजह से। देखिए आपको अभी पता चला था कि ये वैल्यू मैं ले सकता हूँ, अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो 4, 7, 7, और ये वैल्यू कितनी आ रही थी, 10 आ रही थी,
ठीक है। कल मैंने आपको एक चीज़ ये भी बताई थी कि अगर ये वैल्यू 4 है, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि ये जो जोन होता है, ये जोन का जो टोटल एरिया होता है और जो आपका ये वाला जोन का एरिया होता है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं? बता चुका हूँ कि ये बराबर होते हैं। तो आप ज़रा ध्यान से देखिए आप कि मैं थोड़ा सा क्या पता करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको और ब्रॉडली डिवाइड करना चाहता हूँ एरिया रेशियोज़ में। तो ये अगर 4 है तो ये आपका 7 है, ये आपका 7 है, और आपको पता है ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। तो अगर ये 4 हो जाएगी और मैं इसको अब यहाँ कंप्लीट करने की कोशिश करूँ इस तरह से कि ये मैंने वो सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया जो मिसिंग था, तो आपको पता है कि ये वैल्यू कितनी हो गई 4, और ये वैल्यू अगर 4 हो गई तो जो बाकी का बचा पोर्शन है, ठीक है, टोटल मुझे 10 चाहिए था, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई, राइट। आप देखो इसमें कितना इंटरेस्टिंग जो आपका लीफ फॉर्मेशन हो रहा है, लीफ फॉर्मेशन के बाद आपके पास जितने एरियाज लिखे हुए हैं सामने, उनका ब्यूटीफुल रेशियो ऑफ एरियाज मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। किसका रेशियो है 4, इसके बाहर इस सेमी सर्कल का जो पोर्शन बचा वो 7, ये भी कितना 7, ये तो आपको पता ही है, ये इसके बराबर होता है 4, और साथ में आपको ये पता है कि ये 7 + 7 कितना होता है 14, तो ये अगर 4 है तो ये टोटल कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए, तभी 14 आएगा, जिसमें ये मुझे पहले से मालूम है कि अगर ये क्वार्टर सर्कल है तो ये 4 और 4 आपस में बराबर होते हैं तो ये 6 होना चाहिए, ठीक है। कितना इंटरेस्टिंग है, और आप ज़रा इसको देखोगे ध्यान से, ये चीज़ और भी तरीके से वेरीफाई हो सकती है। आपको इवन अगर ध्यान हो तो मैं आपको स्टैंडर्ड वैल्यू से मैं ये भी बता चुका हूँ पहले कि अगर ये क्वार्टर सर्कल है तो ये एरिया कितना होता है ना, तो ये चीज़ भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो, उसमें कोई चैलेंज नहीं है, बट ये बेहतर देखो तरीका है कि ये जो फाइनल रिजल्ट हमारे सामने निकल के आ रहा है जिसमें आपको एक एरिया रेशियो प्रोवाइड किया जा रहा है सारे कंपोनेंट का, ये आपकी लाइफ कितना आसान बना देगा आप सोच भी नहीं सकते हो। कि एग्ज़ाम में अगर आपको किसी भी पोर्शन का एरिया दिया हुआ है और आपसे किसी भी चीज़ का एरिया पूछ रहे हैं, मान लिया उन्होंने एग्ज़ाम में आपको उठा के ये वाला एरिया दे दिया, इसको रेड जोन बना के उन्होंने ये वाला एरिया दे दिया और बोला कि बताओ टोटल एरिया कितना है स्क्वायर का। फॉर एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि मैंने बोला कि आपको कि ये वाला एरिया एग्ज़ाम में मान लिया आपको प्रोवाइड कर दिया गया, ठीक है, ये जो रेड जोन मैंने आपके सामने बनाया है ना, कि इस रेड जोन का एरिया मान लिया मैंने कहा कि 60 स्क्वायर सेंटीमीटर है या स्क्वायर मीटर है, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बता दो पूरे स्क्वायर का एरिया क्या है, ठीक है। तो आप यही चीज़ आपको दिमाग में लेके आनी है तुरंत ही कि भाई ये 4 ये 7, और इसको रटना नहीं बस समझना, आपको पता है ये 7 + 7 + 3 है, ये 4 होता है, तो ये वाला पोर्शन आपका 4 हो जाता है और बाहर वाला पोर्शन क्योंकि सम 14 होना चाहिए इसका, तो ये वैल्यू आपको मालूम है कितनी होगी, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 6। आपको पता है इतना भी करने की ज़रूरत थी नहीं, आपको अगर 4 7 7 मालूम है, आपको 4 7 7 मालूम है तो आपको पता है कि ये भी 4 के बराबर होता है, और स्क्वायर का एरिया क्या होगा 7 + 7, अगर ये 14 है तो इसका डबल होगा 28 को करिस्पॉन्ड करेगा, तो आप कहोगे 4 अगर करिस्पॉन्ड कर रहा है 60 स्क्वायर मीटर को, तो अगर टोटल स्क्वायर का एरिया मुझे निकालना है तो मुझे निकालना है 14 किसको करिस्पॉन्ड करेगा, यही आंसर हो गया 14 या 28 एक्चुअली, बिकॉज 14 तो इन दोनों का ही सम है, टोटल आपका 28 हो जाएगा, 28 किसको करिस्पॉन्ड करेगा, 7 टाइम्स करोगे आप 420 स्क्वायर मीटर्स, ठीक है। इतनी चीज़ें आसान है, आपको वो कुछ भी दे सकते हैं और आपसे कोई भी करिस्पॉन्डिंग एरिया पूछ सकते हैं और आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी निकालने में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और चीज़ दिखाने की जैसे कोशिश करूँ, मान लिया कि लेट्स से कि ये सेमी सर्कल आपको मैंने ड्रॉ करके दिखा दिया है ना, और मैं आपको बोलूँ कि ये वाला एरिया मुझे दिया है 30 है ना, मैं इसको ब्लू कलर से मार्क करूँगा, लेट्स से रेड कलर से ही मार्क करते हैं, ये वाला एरिया आपको 30 प्रोवाइड कर दिया गया, और मैं आपसे पूछूं कि मुझे बता दो लीफ का एरिया क्या है ना, लीफ का एरिया क्या है, तो आपको रेशियो अगर एरिया का पता है कि भाई ये 6 होता है तो ये 4 होता है, ये 4 होता है, ठीक है, तो अगर 6 30 को करिस्पॉन्ड कर रहा है तो 15 को करिस्पॉन्ड करेगा, तो 4 किसको करिस्पॉन्ड करेगा आपका 20 स्क्वायर मीटर्स को, ठीक है, लीफ का एरिया आपने निकाल दिया, पूरे स्क्वायर का एरिया पूछते तो वो भी निकल जाता, ठीक है। तो सवाल ये ना कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है एरियाज की, वरना आपको अगर पहले से विजुलाइजेशन होगा नहीं, आपको आता भी नहीं कि एरियाज कैसे निकलते हैं, अलग अलग एरिया डिवीजन कैसे होते हैं, आपने मान लिया फॉर्मूले रट लिए जाके, वो ए स्क्वायर के टर्म में फॉर्मूले आते हैं सर, तो आपकी लाइफ कितनी मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मैं आपकी लाइफ को ही बार बार ये बोलता हूँ कि मैं आपके जीवन को ही सरल बनाने आया हूँ, ठीक है, चीज़ें अगर सही तरीके से सोचोगे समझोगे नंबर्स में के टर्म में अगर आप चीज़ें देखोगे तो आपको कुछ भी मुश्किल नहीं है। और ये चीज़ आप ना अभी खुद बैठ के ना जस्ट थोड़ा सा एक मिनट लगाओगे ना, आपको स्टैंडर्ड वैल्यू से सारी वैल्यूज आप खुद ही लिख दोगे, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि इसको रटने की कहीं अलग से ज़रूरत है, आपको सब मालूम है ना, क्या नहीं मालूम है कि ये 28 होता है, अगर ये 7 हुआ तो ये 77 हुआ, तो ये 49 हो गया, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, और ये वैल्यू क्या हुई
आपको पता ही है कि मैंने आपको बताया कि जो इसका टोटल होता है ना, इसके टोटल के बराबर होता है। सारे रेशियो आप लिख दोगे, सारे रेशियो लिख दोगे तो एग्जाम में इसका जब भी एप्लीकेशन आएगा तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप आराम से आंसर मार्क करते हैं करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इस मेंसुरेशन सीरीज़ के बारे में बताएं ताकि सब इसका फ़ायदा उठा सकें। और बाकी आपके लेसन आते रहेंगे और आपको मज़ेदार लर्निंग मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।